अज घलू घर के संबंध में चोड़वाल चौंकी के उत्ते छपील के लंगर लाए गए आ, कड़ी चौल के लंगर लाए गए आ। इस तरह ही संस्था में वो तो वह उत्साह मिलता है। लंगर छके वाहगुरु जी, लंगर छके वाहगुरु, लंगर छके कड़ी चौल का वाहगुरु। संत की महापुरश याद में कड़ी चौल के लंगर चल रहे हैं। वाहगुरु जी लंगर छके कड़ी चौल का वाहगुरु, लंगर छके ये सारे ही देखो किस तरह ही वक् वक् दूरों राह गिर आ रहे हैं। लंगर छके लंगर छके वाहगुरु गिर आ रहे हैं। मुंडे मिठे जल दी स्पीड छके वाहगुरु जी, भांड्या की सेवा के सारे ही की जा रही है। देखो किस तरह ही वक् वक् शाम मिल रहा सारे बच्चे जल्दी शपीला देखो किस तरह लग रही ने। गर्मी भी बहुत ज्यादा आ पर फिर भी सब शाम देख लग रहा वा। दिल्ली च शहीद होए 700 साढ़े 700 जो किसान भी शहीद हो जाना उन्होंने भी श्रद्धांजलि भेंट की जाती है। प्रधानमंत्री और गुरु प्यारे 1 जून तो लैके 6 जून तक 1984 जो घल्लू घर वरते है उन्होंने शहीद सिंह सिंगड़िया के याद न समर्पित कड़ी चौल के लंगर लगे हैं। हाँ जी भाजी, ये जी छपील आई है तो किस मकसद के नाल आई हुई है? ये जो हिंदुस्तान की जन्म सरकार वालों श्री अकाल तख्त साहब और श्री हरिमंदर साहब न ढह ढेरी किया गया अज के दिन और सारे शहीदों जिन्हें भी उत्थे श्री दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब के शहीद होए हैं। जो साडे वड्डे शहीद बाबा संत जरनैल सिंह पिंडा वाले उन इस दिन शहीद होए सन उन्हें दे समागम नू मुख रखदे हैं। अज पूरे नगर वालों और साडे वीर सरदार मनजीत सिंह वालों ये बहुत वड्डे पद्धर ते छपील लाई गई है। मैं सरदार मनजीत सिंह जी का और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने शहीदों नू याद रख्या है। हरेक साल इस तरह ही छपील चलती है और चलती रहेगी। ये जो हिंदुस्तान की सरकार है ये चाहती है कि सिख कौम गुलाम किया जाए, जिन्या भी इन्हें फट मारे जाने सिर कुचले जा हिंदुस्तान की सरकार चाहती है। पर जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये साझी हुई सिख कौम है इनू कोई जो झुका नहीं सकता, इनू कोई मार नहीं सकता। ये बात तो बात अज जो 1984 के दिल्ली में घल्लू घर किया गया सीगा पूरे सिखा बड़े बुरी तरीके दे नाल मारिया गया सीगा। अज उही सिख करोना के टाइम के उपर सारे दे घरां दे विच जा जा के आक्सीजन उन्हें खाण पीन का बंदोबस्त करते। मैं हिंदुस्तान की गौरमेंट नूं कहना चाहुंदा हां कि सिखां नूं एक वक्री कौम वालों दिखाया जाए, उन्हें जिन्हें भी आनंदपुर साहब का मता है वो सारे दिते जाण। इस तरह ही हर साल छपील आते रहोगे? ये हर साल ये शहीद बाबा दीप सिंह जी और संत जरनैल सिंह पिंडा वाली याद में ये सदा मेले लगते रहेंगे। जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब को ढाया सी वो आज दुनिया में उनका नाम और निशान मिट गया। ये सारी सरदार मनजीत सिंह जी और उन्होंने साथियों वालों साड़ी भैन जी वालों लगाई गई है। ये सारे उन्होंने सहयोगी हैं। वाहेगुरु जी की खालिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान हो श्री अकाल। मैं सारे परिवार वालों अपने वालों सारों ना धन्यवाद कहना जिन्ने भी संगत इतने पहुंची है जी आया। बाकी मेरी एको बेनती है सारी संगत ना हाथ जोड़ के बेनती करे जोड़े बंदी सिंह रिहा किए जा हर हालत से। मेरी गौरमेंट को अपील आ नहीं तो फिर मुड़ के खड़कूगा दूगा फिर उन्होंने नतीजे गौरमेंट को भुगतने पैणगे।
ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਪੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈ ਆ ਛਬੀਲ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਲਾਵੋਠੀ USA ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।